आपने बात की मुताहिर से, अब उसे कहें कि वो मुझे तलाक दे दे। वैसे भी मुझे उसके साथ नहीं रहना, और है क्या उसके पास, कुछ भी नहीं बचा। मैं जाना ही नहीं चाहती वापस वहां। तुम ठीक हो? ये क्या तुमने शादी को खेल तमाशा समझा हुआ है? जब दिल चाहा निकाह कर लिया, जब दिल चाहा तलाक मांग ली। देखो उसने गलत किया है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि वो परेशान है। ये आप कह रही हैं? अगर वो परेशानी में है तो ये उसका अपना मसला है। और किसने हक दिया है कि परेशानी में आप किसी को थप्पड़ मार दें? मैं मुताहिर के साथ नहीं रहूंगी। तो फिर कहां रहोगी? इस घर में? तुम्हें लगता है कि इस घर में तुम्हारे लिए जगह है? तो आप बात करें ना ताएजान से, उनको बताएं कि मैं नहीं रहना चाहती मुताहिर के साथ। देखो निका, शादीशुदा बहन बेटी को वहां सपोर्ट किया जाता है जहां वो घर वालों की मर्जी से रुखसत होती है। क्या बोलूं मैं भाईजान और भाभी से, ये बात एक हकीकत है जो तुम्हें समझनी होगी। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? ठीक कह रही हो अनिका, मैं जैसे भी जो भी हालात हैं तुम्हें मुताहिर के साथ ये रिश्ता निभाना होगा। जिंदगी में अप एंड डाउन आते हैं लेकिन वो सब गुजारने पड़ते हैं। मैंने माना इस वक्त मुताहिर का बुरा वक्त है, लेकिन सारी जिंदगी नहीं रहेगा, गुजर जाएगा ये वक्त, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात मानो, तुम वापस जाओ। देखो वैसे भी घर में उमेर की और फातिमा की शादी चल रही है, अगर इस वक्त मैं भाईजान और भाभी से कोई भी बात करूंगी तो वो यही समझेंगे कि मैं बदमजगी जा रही हूं। मेरी बात समझो, तुम इस वक्त घर चली जाओ, मैं मौका देखकर खुद मुताहिर और साइमा से बात करूंगी। सब ठीक।